और भाई लोग हम लेने वाले हैं AMD का Ryzen 5 2400G। यस यही लेंगे। हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। आज हम करने वाले हैं एक पीसी बिल्ड, जैसे दिख गया होगा तो ये पीसी बिल्ड होने वाला है अंडर 230-240 की। तो भाई लोग मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये पीसी कैसे गया 30 की और 40 के अंदर। तो इस वीडियो बनाने में काफ़ी मुश्किल हो रही है बिकॉज मैंने अपना माइक अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, तो कुछ नहीं होता। बट उससे पहले अगर अपनी मेहनत कर ही रखी है तो हम बना लेते हैं एक थंबनेल साथ ही साथ। तो हमारा थंबनेल बन ही गया साथ ही साथ, तो लेट्स द वीडियो बिगिन। सो वी आर गोइंग विथ Ryzen 5 3400G। इसमें है 4 कोर और 8 थ्रेड्स, तो 4 कोर 8 थ्रेड काफ़ी अच्छा होता है। एंड इसकी बेस है 3.7 एंड मैक्स है 4.2। हमें लेनी है 2 8GB की रैम स्टिक्स जिसकी स्पीड होगी थी 1000 MHz की, ठीक है। और साथ ही साथ लेंगे हम एक क्या कहते हैं ऐसे एक सप्लाई लेंगे, पावर सप्लाई जो कि होगी 450 वॉट्स की, कूलर मास्टर की, बिकॉज कूलर मास्टर इज मच बेटर देन कॉर्सेयर। और यहाँ पर अगर बात आती है एक मदरबोर्ड की, एक मदरबोर्ड हम लेंगे AC20M S2H। ये मेरा दूसरा है बट तुम्हें लेना है S2H। और भाई लोग, मैं गेमिंग कैबिनेट सजेस्ट करूँगा तुम्हें चिपटोनिक्स का MX11, बिकॉज ये बजट में काफ़ी अच्छा फील होता है हमारे। बट अगर आपको थोड़ा शौक है और वो दूसरे कैबिनेट लेने हैं तो आप जा सकते हो और कैबिनेट की तरफ जो है चिपटोनिक्स का GX2000। बट भाई लोग, अपना बजट देख के चलना। अगर तुम 1000-2000 रुपये और लगा सकते हो तो तुम ये ऐसे नीचे वाले कैबिनेट बाई कर सकते हो। और बट इनका पावर कंजप्शन का ज़्यादा होता है थोड़ा। और भाई लोग, एसएसडी की बात करें तो तुम्हें मैं प्रेफर करूँगा 240GB की SSD, बट अगर बजट थोड़ा टाइट है तो मैं 120GB की SSD लेनी पड़ेगी। तो SSD तुम देख सकते हो ADATA की कितनी आ रही है, यह है 1699 की आ रही है, बट तुम्हारी मर्जी है। और तुम 120 लेनी है 120 लो, और अगर 240 लेनी 240 लो, तुम्हारे बजट के ऊपर। अगर तुम बजट थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हो, वरना 120 भी काफ़ी अच्छी है, मैं भी 120 यूज़ करता हूँ। लास्ट में बात आती है हमारे हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क तो काफ़ी सस्ती मिलती है, तो तुम क्या कर सकते हो, 1TB की हार्ड डिस्क इनमें से कोई भी ले सकते हो। जैसे कि मैं प्रेफर करूँगा Seagate की बर्कोटा लेना 1TB वाली, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगी क्योंकि इसमें 6GB/s की स्पीड होती है और ये बेस्ट रहेगा। और भाई, ये तुम्हारा जो पीसी बनेगा 30 से 40K के अंदर बीच में पक्का बन जाएगा ये। और अमेज़न से बाय करना भाई लोग। अगर तुम अपने प्रोडक्ट्स पे क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो तो क्रेडिट कार्ड यूज़ करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें तुम्हें काफ़ी डिस्काउंट मिल जाएगा अच्छा। और 1000 रुपीज़ इसमें लिखा था 10% कैशबैक होता है SBI के क्रेडिट कार्ड से, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और तुम्हें 30,000 से भी कम पड़ जाएगा अगर तुम इसे यूज़ करोगे तो। अगर हमें फ्यूचर में किसी ग्राफिक कार्ड पे अपग्रेड करना हो तो हम 1660 सुपर या 1660 Ti जैसे ग्राफिक कार्ड को भी आराम से अपने PC में लगा सकते हैं, वो भी बिना किसी झंझट के, क्योंकि 450 वॉट्स की जो पावर सप्लाई होती है वो काफ़ी सफिशिएंट होती है इन ग्राफिक कार्ड के लिए। बट अगर हम RTX की तरफ जाएंगे तो हमें अपनी पावर सप्लाई भी चेंज करनी पड़ेगी और अपना नया तो ग्राफिक कार्ड लेना ही पड़ेगा। तो भाई लोग, इस PC में अगर तुम बाद में ग्राफिक कार्ड लगाना चाहते हो, यानी कि 20,000 का इन्वेस्टमेंट और करना चाहते हो, तो तुम ग्राफिक कार्ड आराम से इसमें लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, आराम से।